एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें डू व्हाइल लूप से 5 की टेबल प्रिंट करने का एल्गोरिथम लिखना हो तो हम इसको कैसे करेंगे। तो आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने एल्गोरिथम को यहाँ पहले से ही लिख दिया है, और इस लॉजिक को एक बार हम समझ लेते हैं कि 5 की टेबल आखिर कैलकुलेट होती कैसे है। तो अगर हम बचपन की थोड़ी सी याद करें कि हमने टेबल कैसे समझा था, तो हमने टेबल इस तरह से समझा था कि 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, इसी तरह से 5 × 10 = 50। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो नंबर है ये तो है कांस्टेंट, ये जो नंबर है ये हमारा एक लूप की तरह से काम कर रहा है 1 से लेकर 10 तक, इसको हम बोल देंगे आई। ये है हमारा 5, और ये जो रिजल्ट आता है इसको हम बोल सकते हैं RES। तो इस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनती है, 5 × i = रिजल्ट। लेकिन हम प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे रिजल्ट इक्वल टू 5 × i। तो इस लॉजिक को हम एल्गोरिथम में लिखते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले i की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, जो कि ये है, और हमने लास्ट वैल्यू जो दी है इसकी वो दे दी 10। तो ये 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू 10 तक, यानी कि 10 जब तक वैल्यू नहीं हो जाएगी ये लूप चलता रहेगा। अब हमने यहाँ पर कैलकुलेशन क्या की है, रिजल्ट इक्वल टू 5 × i। तो 5 की टेबल हमें प्रिंट करनी थी इसलिए हमने 5 लिख दिया, जो कि ये कांस्टेंट नंबर था, और i का हमें मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ये हमने लिखा है तो i की वैल्यू, क्योंकि लूप चल रहा है तो i की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे चलती रहेगी और ये कैलकुलेट होती रहेगी, और रिजल्ट इसमें कैलकुलेशन के बाद आता रहेगा। तो जो भी रिजल्ट इसमें आएगा उसको हम प्रिंट कर देंगे और i की वैल्यू को फर्दर इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी टेबल प्रिंट हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। तो यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।